आज आप सबका ये सौभाग्य है कि हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसके नाम और काम से आप सभी वाकिफ हैं, जिसकी हेडलाइन तूफान खड़ा कर देती है। जर्नलिज्म की शान और जर्नलिज्म की मिसाल कभी शर्म। मैं यहां हूं। खबरें क्या? आप में से कोई मुझे बताएगा? खबरें क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। खबरें नशा है। अपने घर और अपनी जिंदगी के बाहर क्या हो रहा है ये जानने का नशा। और अगर आप में से कोई भी एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि नशा बेचना कभी आसान नहीं था, ना है और ना कभी होगा। परमिशन उसे जा रही है। एक्सक्यूज मी, प्रमिला राधेश्याम नाम की पेशेंट है यहाँ जिनका बच्चा हुआ है। हाँ नहीं नहीं इधर इधर भाई साहब, यहाँ प्रमिला राधेश्याम नाम की कोई? प्रमिला जी नहीं, कम ऑन अन्य। प्रमिला जी, प्रमिला राधेश्याम जिनका भी बच्चा हुआ है वो यही है ना? नहीं प्रमिला जी, एक्सक्यूज मी, प्रमिला राधेश्याम नाम की यहाँ पे एक पेशेंट है, वो कहाँ है? प्रमिला जी, प्रमिला जी, प्रमिला, तरा तरा तरा। पागल है क्या? पीटेगा उसका, ठीक से पूछ। प्रमिला जी आप ही हैं? प्रमिला राधेश्याम को देखा? प्रमिला जी, प्रमिला जी, सुना भी नहीं। बस मिल गई है प्रमिला जी, हम ढूंढते रह जाएंगे। आज ना 8 बजे की लाइव न्यूज तो गई। कैसे गई? बेटा जरा बताना तो सही, इसमें डॉक्टर क्या लिखा है? डॉक्टर का लिखा डॉक्टर जाने, आप उनको दिखाओ ना, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे सिस्टर तो बता रही है इधर कुछ होने वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बताते हैं इधर नहीं बिस्तर नहीं दवाई। ब्रेकिंग न्यूज लेनी है, चलो यार। एक मिनट रुक, प्रमिला राधेश्याम भी मिलेगी और अम्मा आपका इलाज भी यही होगा, ठीक है? देखो क्या हो गया। ओए पागल हो गई है, कौन है इंचार्ज यहाँ? न्यूज़ चैनल से आए हम, प्रेस वाले हैं। कौन है इंचार्ज? जस्सी की रोनी, तू न्यूज़ पे ध्यान दे, नीचे आ जा, 5 मिनट में लाइव दिखाना है। रुकना, कि क्या हाल ना रखा है हॉस्पिटल का? हाँ ऐसे ट्रीट किया जाता है लाचार गरीब पेशेंट्स को? जब तक एक लाचार गरीब की आवाज टीवी पे गूंजेगी नहीं ये सुधरेगा नहीं ना। अरे क्या करें ऊपर, आप नीचे तो आप। आप मेरी बात सुनिए, वो अम्मा के पास में डॉक्टर का लेटर है, उसके बाद भी आपने उनके पेशेंट को भर्ती नहीं किया, क्यों? सर कैमरा रोल कर दू, आज तो ये हॉस्पिटल ना कैमरा भी जवाब देगा, दिखा। हॉस्पिटल में क्या शोर मचा दी तू, नीचे उतार, चल तू सिक्योरिटी को बुला लीजिए, सिक्योरिटी को पैन कर कैमरा, ये भी दिखा। सबके चेहरे आज टीवी पे ना दिखाए ना तो देखो क्या हो यार। प्लीज आप कैमरा बंद कर दीजिए, प्लीज आप बंद कर दीजिए, प्लीज कैमरा बंद रखिए प्लीज। और मैडम आप प्लीज नीचे आ जाइए, आपका क्या प्रॉब्लम मुझे बताइए ना। सर मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अम्मा के पास में डॉक्टर का लेटर है, आप देखिए, उसके बाद भी आपने उनके पेशेंट को भर्ती नहीं किया है। आप प्लीज कैमरा बंद रखिए। अम्मा दिखाओ, पर्ची दिखाओ जरा, क्या तरीका है जी? वही तो हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी कीजिए। हाँ हाँ अभी करते हैं, प्लीज प्लीज। बंद कर, आप नीचे उतरी। हाँ हाँ ओके। तो प्रमिला राधेश्याम कौन है यहाँ? हमारी बीबी का नाम है प्रमिला, इधर है। सर आप कह रहे हैं खबरें नशा बेचने का धंधा है, तो सर नशा बेचने वाले तो साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या एक रिपोर्टर को भी इसका इस्तेमाल करना होगा अपनी खबर पाने के लिए? आपसे किसने कहा कि अब तक वो इन सब का इस्तेमाल नहीं करता आया खबर पाने के लिए?
वन। नमस्कार, खबर यहाँ में आपका फिर से स्वागत है। दिन भर की खबरों का लेखा जोखा आठ की बात में। मैं हूँ आपके साथ मानव गुप्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और छा गए। परमाणु डील तो पक्की हो गई, लेकिन राजधानी की श्रीमती प्रमिला राधेश्याम के लिए विश्व के दो महान गणतंत्र के दोस्ती का ये दिवस उनकी याददाश्त का आखिरी दिन हो सकता था। जी हाँ, पुरानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में रहती प्रमिला गर्भवती थी और जिस वक्त अमरीकी प्रेसिडेंट के गाड़ियों का दस्ता भारत के राष्ट्रपति से मिलने राजघाट से निकला, उसी वक्त प्रमिला को अस्पताल ले जाना हुआ। लेकिन खास सिक्योरिटी इंतजाम के चलते प्रमिला का अस्पताल पहुंचना नामुमकिन था। आइए देखते हैं कि प्रमिला अस्पताल पहुंची या नहीं। प्रमिला राधेश्याम के पति अनन्या के साथ तैयार है। ओके गॉट इट। मानव, प्रमिला का पति अनन्या के साथ। अनन्या 12 सेकंड में हम तुम्हारे साथ होंगे। श्रीमती प्रमिला राधेश्याम के पति इस वक्त मौजूद है हमारी संवाददाता अनन्या कश्यप के साथ। अनन्या, इस वक्त हम सिटी हॉस्पिटल के अंदर श्रीमती प्रमिला राधेश्याम के पति लल्लन के साथ। लल्लन जी, हमें बताइए कि क्या क्या मुसीबत का सामना आपको करना पड़ा। हम काका बताएं मैडम, वो दिन बहुत ही ट्रैफिक रहा और जाम भी। प्रमिला को ओबामा जी को भी देखना था। You hear that news? जाम के बीच में ही प्रमिला को। कोई मुझे बताएगा कि ये बच्चा जिंदा है या मर गया? क्यों खालिद, मुझे गोद लेना चाहते हो? नहीं फनी भास्कर, अगर ये बच्चा जिंदा है तो ये न्यूज मेरे चैनल पे क्या कर रही है? यू कॉल दैट न्यूज एट ऑल? इसका बच्चा मर जाता तब न्यूज होती? तब ये सिर्फ न्यूज नहीं होती भास्कर, तब ये एक आवाज होती। एनीवेज, फिलहाल तुम ताली बजा दो क्योंकि प्रेमिला को बेटा पैदा हुआ है और उस अपने बेटे का नाम अमरीकी प्रेसिडेंट के नाम पे रखा हुआ है, बामा राधेश्याम। भास्कर, अगर तुम्हें ताली बजाने का और बजवाने का इतना शौक है तो अपने घर जाकर अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाओ। यहाँ एडिटर की पोस्ट पर बैठकर मेरे चैनल का दिवाला मत निकालो। Somebody get that news off now. खबरें घटती रहेंगी और हम उन्हें आप तक लाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मौसम का हाल जानिए त्रिशा राजपूत। तुम्हें क्या लगता है मैच कौन जीतेगा? लिपस्टिक। ऑफ कोर्स इंडिया। वही हीरोइन। मैं यहाँ के मैच के बारे में पूछ रही हूँ, खालिद सर और भास्कर सर के बीच। अभी अभी झगड़ा हुआ है दोनों का फिर से। ऋषा, पोजीशन ले ले, 2 मिनट्स। भास्कर सर जा रहे हैं पक्का। पर कहाँ? आज रात 9 बजे की न्यूज़ तो भास्कर सर ही पढ़ेंगे, राइट? रेडी रे, रेडी रे तू। ऋषा रेडी? यस। आज के मौसम का हाल ऋषा के साथ। खालिद ने भास्कर को फिर से झाड़ा। क्या फर्क पड़ने वाला है? भास्कर जी तो फिर भी वही न्यूज दिखाएंगे। इस तरह किसी को फर्क पड़े तो चोट पहुंचे। रेटिंग्स में सबसे नीचे है अपना चैनल और तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रही। पापा से बात करो ना। KKN चैनल के ओनर की बेटी हो तुम। मैं पता है, पूरा प्लान तैयार है मेरे पास। एक महीने के अंदर अगर चैनल को नंबर वन नहीं कर दिया ना, इस्तीफा दे दूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। बट डैड यूएस में है, यू नो, फॉर द यूएस इंडिया कॉन्फ्रेंस। वैसे आज हम क्या कर रहे हो? जो तुम कहो। मैंने तो सोचा था कि मतलब देसी चिकन बनाऊंगा और वाइन तो है, आज शनिवार भी नहीं है, यू नो। नाइस। तो फिर 11 बजे तुम्हारे घर पर। ऑलराइट। एक मिनट। Thank you.
और कितना इंतजार कराओगे कबीर? बस 5 मिनट और। नंदलाल जी आप थोड़ा इधर हो जाइए, मुझे वो बैकग्राउंड भी चाहिए। ये हुई ना बात, और अब आप ये रखिए मेरा कार्ड, कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। सर जी यहाँ इतने बड़े लोग आते हैं कि उनकी नजर झुकती है नहीं कि वो ये भी देख पाए कि हम लंगड़ाते हैं। नंदलाल जी किसी भी मुसीबत की तरफ नजरें आकर्षित करना ही मेरा काम, और वैसे भी सारे काम सीधे तरीके से हो जाएं, इतनी सीधी हमारी दुनिया का है। चलता हूं। जीते रहो बेटा, भगवान भला करे तुम्हारा। क्या बात है खालिद साहब, नौकरी का ऑफर दे रहे हो क्या? क्यों ऐसा क्यों लगा तुम्हें भाई? वरना एक आम से पत्रकार के लिए कोई इतना इंतजार क्यों करे? गलत फहमी है तुम्हें कभी, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तुम्हारी खबरों का इंतजार करते हैं। कहते हैं ना जहां खबर वहां कबीर, ऐसा भी तो हो सकता है जहां कबीर वहां खबर नहीं। ये देखिए अभी अभी अपलोड किया है डेली बीट्स की साइट पर, गुलामी के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए शहर के इस क्लब को। ये तो मेरा क्लब है, ये नंदलाल है। क्या कर रहे हो तुम, मरवाओगे मुझे? मैं सेक्रेटरी हूं उस क्लब का यार। हाँ तो पेंशन प्लान और ग्रेच्युटी फंड बंधवा दीजिए नंदलाल के, और दे दीजिए कोई कुर्सी पे बैठने वाला जो 25 साल से इस क्लब में काम कर रहा है, इसका बाप भी हमारी बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं क्या? नहीं फिलहाल तो वो तुमसे कराने का इरादा है मेरे चैनल में। क्यों ना तुम केकेएन चैनल के नए एडिटर इन चीफ बन जाओ? तो अब मुझे न्यूज चैनल ज्वाइन करके बॉयफ्रेंड को तलाक दे देना चाहिए, वरना बहाने बनाते रहोगे, मिल नहीं पाओगे। काश पर ऐसा कुछ नहीं है रोनी, मैं ये दिल्ली क्रांति की हेडलाइंस पढ़ रही थी। कबीर शर्मा की खबर है। मैं ऐसी रिपोर्टर कब बनूंगी यार, जहाँ किसी को शक भी नहीं होगा ना वहां से हेडलाइंस निकाल लेते हैं और समाज को आईना दिखा देते। जस्ट अमेजिंग अजीब। हाँ टिनू क्या पक्की खबर है? हाँ हाँ दे एड्रेस दे। हाँ ओके ओके ठीक है। टॉनी एक टिप मिला है। अच्छा भास्कर सर को बोलना कि वेट करे, हेडलाइन भी हो सकती है। पॉलिटिकल है? हाँ। अरे सनी सिंह कहाँ है? अंदर बाहर? सही सनी कहाँ है? सनी सिंह वो कैमरामैन कहाँ है? छोले कुलचे कर रहा है वो। ओहो बहुत बहुत बनाते दादा हैं। चल चल वो ये पकड़। किसका शिकार करने जा रहे हैं? कीचड़ का। चल ना छोड़ छोड़ रुक जा खा खा भी नहीं आ रहे। चल तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। अपने कितनों को टिकती है क्या? प्रोफेशनल नहीं है कहां से मेरा वो।
बस बस किसका हूँ उसे किसी शराब के ठेकेदार का है अबे यार मैं कुछ खाई लेने देती इसको पी तो लेता ना मैं थोड़ी चुप कर चल 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 नन्हे मरवाएगी तू यार आना भाई इधर को जरा कड़ी नजर रखियो अरे इधर तो सब ठीक से चल जरा पाछड़ नजर मार ले तो देख लेते हैं जान जोखिम में डाल रही है तू पहले अमल करा दूंगी बोल रही हूँ चल करवा देगी तू कहीं कहीं चल चल बाबूजी मुझे जाने दीजिए बाबूजी प्लीज मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ मुझे ये शादी नहीं करनी बाबूजी अरे चुप कर शादी नहीं करनी है पैसे ले लिए मैंने तू क्या चाहती है मैं बुढ़ापे में तेरे लिए दहेज इकट्ठा करूं ओए तो मंत्री है चतुर्वेदी अरे आराम से आराम अरे भाई जयराम जी की बोलिए यार किसी के साथ डील करने आया क्या शादी की डील शादी की कुत्ता कमीना तो पहले शादीशुदा है तीन बच्चे इसके वो भी इस लड़की से बड़े होंगे कल सुबह तक इसको जेल नहीं कराई ना तो तू कैमरा निकाल ना लेंस खोल जहाँ तक हमारी बात है हम दहेज के एकदम विरोधी हैं हम दहेज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते देखो भाई दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानून अपराध होता है जहाँ तक लड़की की बात है देखो तुम्हारी लाइफ हम बना देंगे हाँ तुम्हें क्या चाहिए हमें बोलो ना तुम्हें जो भी चाहिए वो हम देंगे जो भी चाहिए है? बस एक बार हमें पोर्टफोलियो मिल जाए ये तो पक्का है मंत्री जी हाँ शादी से लेकर सक्सेस तक का उपाय है ये अच्छा हवन की तैयारी हो गई क्या रे हाँ जी हो गई चलिए मंत्री जी कहीं इस रात की शुभ मुहूर्त ना निकल जाए चलो 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 आई चलो चलो ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो पिव यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं आगे चल आगे आगे चल आप दोनों हाथ आगे कीजिए कुमानो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्रतो दप्तासो अपरितास उद्विदः देवानो यथा पहले कन्या वर के गले में माला पहनाएगी तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तेरी कंपनी ने कितनों को टिप दिया प्रोफेशनल नहीं है खास है मेरा वो
मुझे ऐसे लगो सामने वाली खिड़की के पीछे लैस दिखाई दिया। बिलीव मी यार, हो ही नहीं सकता। माचिस है कहता हो? माचिस माचिस। ये कोई शूटिंग चल रही है? माचिस है। टीवी सीरियल की है। मैंने डायरेक्टर से मिला देना। अरे तू आया किससे है? हैं? बीड़ी जलार भागुरे से। गुस्सा क्यों खा रहा है ताऊ? पड़ले पास से मैं कैमरा शैमरा देखा तो मन ने लगा शूटिंग चल रही है। अरे मन ने बड़ा शौक है टीवी पे आने का। अरे ताऊ दीदी खड़ी रहे। जाने से पहले ध्यान में रखने वाली सबसे खास बात, कामयाबी की ओर पहला कदम जरूरी नहीं कि सच्चा हो, अच्छा हो, क्योंकि सच्चाई, अच्छाई और कामयाबी कभी अच्छे दोस्त बन ही नहीं सके। ये तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आज आप सबका ये सौभाग्य है कि हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसके नाम और काम से आप सभी वाकिफ हैं, जिसकी हेडलाइंस तूफान खड़ा कर देती है। जर्नलिज्म की शान और जर्नलिज्म की मिसाल कभी शर्म। मैं यहां हूं। खबरें क्या? आप में से कोई मुझे बताएगा? खबरें क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। खबरें नशा है। अपने घर और अपनी जिंदगी के बाहर क्या हो रहा है ये जानने का नशा। और अगर आप में से कोई भी एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो उसे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि नशा बेचना कभी आसान नहीं था, ना है और ना कभी होगा।